हेलो एवरीवन, वेलकम टू YFS। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोग IIT एग्जाम 24 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप लोगों को ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना चाहिए। मतलब अगर आप सेंटर पे जाएंगे तो वहां पर जो आपको कंप्यूटर दिया जाएगा तो उस पर आप लोगों को कैसे एग्जाम देना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त सेव कैसे करना है, नेक्स्ट पर कैसे जाना है, किसी सेक्शन से सेक्शन ए से सेक्शन सी पर कैसे जाए, कैलकुलेटर कैसे यूज करें, ये सारी चीजें आज के सेशन में डिटेल में बात करूंगा, ताकि अगर आप एग्जाम में जाएं तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता हो और आप आसानी से आप लोग एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सके, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि IIT एग्जाम 24 का ऑनलाइन एग्जाम हमें कैसे देना होगा या क्या प्रोसेस होगा ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए। तो गाइज यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जैम जो एग्जाम 24 का हो रहा है उसे कंडक्ट कर रहा है IIT मद्रास। तो अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे IIT जैम 2024 ऑफिशियल वेबसाइट तो आपको कुछ इस तरह दिखेगा। आपको क्या करना है, पहले वेबसाइट पर आ जाना है IIT जैम मद्रास के। तो यहाँ पर गाइज आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है, IIT जैम 24 के लिए मॉक टेस्ट एक्टिवेट कर दिया, मॉक टेस्ट का लिंक यहाँ पर दिया गया है और ये इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ऑनलाइन एग्जाम आपको कैसे देना है। तो आपको क्या करना है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए जैम की, फिर वहां पर आप आ जाइए IIT जैम 2024 के मॉक टेस्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर मॉक टेस्ट दिए गए हैं। तो अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी है तो बायोटेक्नोलॉजी पर क्लिक करिए, केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स जो भी आपका सब्जेक्ट हो। तो चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैथ्स पर आ जाते हैं। तो अगर आप देखिए सिलेबस भी आप देख सकते हैं, मॉक टेस्ट और पिछले कुछ 2013 से पेपर भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। अब हमें मॉक टेस्ट देना है तो हम मॉक टेस्ट पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप मॉक टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ डालना नहीं है, आपको सीधा साइन इन करना है। तो एक्चुअली ये जो यूजर आईडी और पासवर्ड जो होता है ना, जब आप एग्जाम में जाओगे तो आप एग्जाम सेंटर में पहुंचोगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि आपका यूजर आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है। तो उसको लेकर आप टेंशन ना ले, एग्जाम में जाने के बाद ये चीजें आपको वहां पर पता चल जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, साइन इन पर कर दीजिए। तो साइन इन पर जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह आपको दिखेगा। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसे एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि आपका जो एग्जाम होगा 180 मिनट्स का होने वाला है। कैलकुलेटर आपको अवेलेबल कर दिया गया है, जो कि राइट हैंड साइड इस साइड टॉप पे आपको मिलेगा कैलकुलेटर। उसके बाद यहाँ पर ये भी बताया गया है कि आपको 180 मिनट्स का जो है ना, तो जैसे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 180 मिनट का एक टाइमर होगा, ये रिवर्स चलेगा। मतलब ये बताएगा कि अभी आपके कितने मिनट बचे। जैसे एक घंटे आपने एग्जाम दे लिया तो आपको दिखाएगा कि अभी आपके 120 मिनट्स बचे हैं, 110 मिनट्स बचे हैं, 90 मिनट्स बचे हैं। तो इस तरह आपको बताएगा। तो लास्ट में जैसे ही 0 मिनट होगा तो आपका एग्जाम ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ सबमिट वगैरह कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली हो जाएगा और एग्जाम वहाँ पर एंड हो जाएगा 3 घंटे में, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन जब आप लोग सॉल्व करोगे ना तो कुछ यहाँ पर सिंबल्स हैं। जैसे कि ये वाला सिंबल आप 1 वाला देख रहे हो ना, यहाँ पर व्हाइट कलर का दिख रहा है। तो जैसे आपके एग्जाम में 60 क्वेश्चन है सेक्शन ए बी एंड सी मिलाकर, तो जिस भी क्वेश्चन पर ये वाला सिंबल दिख रहा है इसका मतलब इस क्वेश्चन को अभी तक आपने देखा ही नहीं, विजिट नहीं किया है। जिस भी क्वेश्चन पर ये वाला सिंबल होगा रेड कलर का, मतलब आपने क्वेश्चन देख लिया है बट हो सकता है कि आपको उस वक्त सॉल्व करने नहीं आया तो आपने छोड़कर आप आगे बढ़ चुके हो। और ग्रीन का मतलब क्या है, ग्रीन का मतलब यह है कि आपने क्वेश्चन देखा और उसे सॉल्व किया और उसके करेक्ट आंसर को वहां पर मार्क किया, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, 4 का मतलब, ये जो 4 दिया है इसका मतलब ये है, जो कलर आपको दिख रहा है बैंगनी कलर, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, आपको लग रहा है ये ऑप्शन होगा, एक आधा ऑप्शन टिक कर दे, लेकिन फिर भी आपके मन में डाउट हो कि चलो बाद में आकर वापस देखेंगे, तो उसे आपने सेव नहीं किया, तो उस केस में इस तरह का आपको दिखेगा। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक बीच में ग्रीन भी अगर आता है बैगनी के साथ तो वहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, आपने आंसर तो मार्क कर दिया लेकिन रिव्यू के लिए डाला है। रिव्यू के लिए डाला है मतलब एक बार सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप वापस से आकर इस क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे। अगर मान लीजिए आपने फिर से इस पर नहीं देखा या इस क्वेश्चन को आगे से सेव नहीं किया तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, जो भी आपने मार्क किया है ये आपका कंसिडर किया जाएगा इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा, मतलब ये माना जाएगा कि आपने इसे ही टिक किया हुआ है। और ये जो 4th वाला कलर यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर आप मतलब जस्ट ऑप्शन टिक कर दियो, सेव नहीं किए हो ना, तो फिर वो फाइनल कंसीडर भी नहीं किया जाए। जैसे कि मान लीजिए आपने इस क्वेश्चन को फिर से विजिट नहीं किया या फिर से सॉल्व नहीं किया तो ये इसका आंसर काउंट भी नहीं किया जाएगा, बट इस वाला आंसर को काउंट किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दी हैं, जैसे कि कुछ एरो होंगे क्वेश्चन, अगर आपको एक बॉक्स में दिखेगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ज़्यादा लंबा तो लेफ्ट राइट एरो से क्लिक कर सकते हैं, दाएं बाएं कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं एरो की मदद से, तो वहाँ पर आपको एरो दिखेंगे। तो क्वेश्चन को एक बार केयरफुली आप लोग एरो से आगे पीछे करके प्रॉपर क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, टू आंसर द क्वेश्चन डू द फॉलोइंग, तो क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर इन द क्वेश्चन पैलेट टू गो टू द क्वेश्चन डायरेक्टली, मतलब वहां पर जैसे कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के अलग अलग क्वेश्चन है ना, तो जिस भी क्वेश्चन पर आपको जाना उस नंबर पर क्लिक करके आप डायरेक्टली भी जा सकते हो। देखो कोई भी क्वेश्चन आपका आंसर तभी सेव होगा जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे, अगर आप क्लिक किस पे करते हैं मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो ये आपका मार्क फॉर रिव्यू में चला जाएगा, ठीक है। तो और कुछ यहाँ पर दिए गए हैं कि जैसे आपका पैटर्न वगैरह ये सारी चीजें यहां पर बातें किया गया है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब आ जाते हैं, चलो यहां पर एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये कुछ नोटेशन वगैरह हैं जो आपको देख लेना है कि आपका एग्जाम किस सेक्शन ए बी सी कितने मार्क्स के लिए, सारी चीजें डिटेल में दी गए हैं। उसके बाद आप यहां पर बॉक्स में क्लिक करिए, फिर आप क्लिक कर दीजिए आई एम रेडी टू बिगन। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइज आप लोग देख सकते हो कि तीन सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। तो जिस भी सेक्शन में आपको आपको लगता है कि पहले आपको सेक्शन सी से स्टार्ट करना है, बी से स्टार्ट करना है, ए से स्टार्ट करना है, तो जिस भी सेक्शन पे जाना है उस पर क्लिक कर दे। जैसे मुझे सेक्शन बी में जाना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं मैं सेक्शन ए से ही स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लीजिए एक ग्रुप दिया गया, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए इसका आंसर से ए वाला ऑप्शन है, तो मैं इस पर टिक कर दिया, मैंने यहाँ पर टिक कर दिया, देखो टिक हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, सेव और नेक्स्ट पर जब मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर ब्लू कलर से सेव और नेक्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये कहाँ पर जाएगा, तो ये सेव हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पीछे की होने की वजह से नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ब्लू कलर में सेव और नेक्स्ट है, इस पर क्लिक कर दिया मैंने, देखो ये वाला आंसर वन का ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब मैंने इसका आंसर दे दिया और मैं कन्फर्म हूँ मेरा आंसर यही है। अब मैं टू पर आ गया हूँ, क्वेश्चन टू को मैंने देख लिया है बट आंसर अभी तक नहीं दिया, इसलिए रेड है। और बाकी अगर क्वेश्चन जैसे देखिए यहाँ पर ये वाले सारे कैसे दिख रहे हैं आपको, व्हाइट कलर में दिख रहे होंगे, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, तो इसका मतलब क्या है, अभी तक मैंने इन क्वेश्चन पर विजिट नहीं किया है। तो जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन पर आया, मैंने यहाँ पर इस पर टिक कर दिया, बट मेरे मन में डाउट है कि मैं 90% श्योर हूँ, बट 10% मन में डाउट है कि शायद एक बार मुझे इस क्वेश्चन के बारे में फिर से सोचना चाहिए, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट इस पर क्लिक कर दूंगा। तो देखिए सेकेंड वाले पर कैसा टिक हो चुका है, ए बैगनी कलर है, यहाँ पर आपको एक ग्रीन दिख रहा है। तो अगर मान लीजिए मैं इस ऑप्शन को सेकंड वाले को एज इट इज छोड़ दूँ ना, बाद में कोई भी चेंजेस ना करूँ, तो सेकंड का आंसर मेरा कंसीडर किया जाएगा। जैसे ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन मैंने क्या किया, सपोज मैंने इस पर टिक कर दिया, फिर मुझे डाउट आ रहा पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो मैं सीधा सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू नहीं किया, तो उस केस में ना थर्ड को मैंने आंसर किया है, बट देखिए तो एक्चुअली मैंने उसे सेव कर दिया, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, सपोज मैंने इस पर टिक कर दिया, फोर्थ को मैंने टिक कर दिया, मैं फोर्थ क्वेश्चन से सीधा हटके किस पर आ जाता हूँ, सी एट क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद देखिए फोर्थ वाला ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अगर आप किसी क्वेश्चन पर श्योर हैं तो सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है, अगर आपको लगता है कि फिर से आकर विजिट करना है तो आप क्या करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो अभी मान लीजिए मैं फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाता हूं। अब इस क्वेश्चन को मैंने तो पढ़ तो लिया लेकिन मुझे आंसर में डाउट है, मैंने कुछ भी ऑप्शन नहीं टिक किया, मुझे लग रहा है कि एक बार थोड़ा सा टाइम देकर इसको हम फिर से सॉल्व कर सकते हैं, तो उस केस में मैं सीधा किस पर क्लिक करूंगा, मार्क फॉर रिव्यू। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे ये कलर का दिख रहा है, मतलब इस क्वेश्चन का आपने आंसर नहीं दिया बट आपको लग रहा है कि इसे आप सॉल्व कर सकते हो, तो इसलिए आपने ऐसा टिक किया। लेकिन आपके जो आंसर कंसीडर किए जाएंगे ग्रीन वाले, और ये जो बैगनी के बीच में ग्रीन है ये वाला कंसीडर किया जाएगा, ये देखिए। तो ये दो टाइप के आंसर आपके कंसीडर किए जाएंगे, व्हाइट कलर का मतलब है अभी तक आपने विजिट नहीं किया, रेड कलर का मतलब ये है आपने विजिट किया है बट हो सकता है आपको आया ना हो तो आपने आंसर वगैरह नहीं डाला है। सिर्फ बैगनी है इसका मतलब आपने उस क्वेश्चन को देखा है बट आपके मन में डाउट है कि आप फिर से उस पर आकर सोचना चाहते हैं, ठीक है।
तो मान लीजिए आपने सेक्शन ए के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अगर आपको सेक्शन बी पर जाना है तो इस पर सीधा क्लिक कर दीजिए। सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख जाएंगे 1 to 10 तक। सिमिलरली आप सेक्शन सी में आ सकते हैं, जिस भी सेक्शन के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जैसे कि मान लीजिए मुझे सेक्शन सी का 10th क्वेश्चन सॉल्व करना या 12th क्वेश्चन, मैं सीधा 12 पर आ जाता हूँ। और लेकिन सेक्शन सी की खास बात क्या है, यहाँ पर ना न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। जस्ट एग्जांपल के लिए मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर होता है 56, तो मैं 5 और 6 ऐसे टिक करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ठीक है। और हो सकता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ जाएगी, तो उस केस में आपको कैलकुलेटर भी दिया गया है, तो कैलकुलेटर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसे आप यहां पर कर सकते हैं, बट ध्यान रखना जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना, ज्यादा कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, जहां पर जरूरत हो उसी को यूज करना, और ब्रैकेट वगैरह प्रॉपरली बनाना। ऐसा अगर एक आध ब्रैकेट आप भूल गए ना, तो फिर आपका आंसर गड़बड़ आ सकता है। और यहां पर आप एक बार क्लिक करके देख सकते हैं हेल्प में, देखिए तो यहां पर आपको दिया गया है, तो यहाँ पर अलाउ यू टू परफॉर्म द बेसिक एंड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज अ मॉडुलस, आप कर सकते हो, स्क्वायर रूट कर सकते हो, क्यूब रूट कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, इससे रिलेटेड चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। और आपको क्या क्या करना है, तो एक बार ध्यान रखना है बूज में, बी श्योर टू प्रेस सी व्हेन बिगनिंग अ न्यू कैलकुलेशन, जब भी आप नया कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो सी पर प्रेस करके, ताकि पुराना वाला क्लियर कर दो, ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो सकता है। और सेकंड आप देख सकते हैं, यू कैन सिंप्लीफाई एन इक्वेशन यूजिंग पैरेंथेसिस एंड अदर मैथमेटिकल ऑपरेशन। यहाँ पर जो पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट जो है ना, आप थोड़ा सावधानी से लगाना, और ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा ब्रैकेट यूज मत करना, जहां पर ब्रैकेट की जरूरत है उस ब्रैकेट को लगाना, अदरवाइज आंसर आपका रॉन्ग आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर एम प्लस का मतलब अगर आप देखेंगे कैलकुलेटर पर, आपको एम प्लस दिखेगा, एम प्लस का मतलब क्या है, विल एड डिस्प्लेड वैल्यू टू मेमोरी, एम आर का मतलब क्या है, विल रिकॉल द वैल्यू स्टोर इन मेमोरी। अगर आपने कोई कैलकुलेशन कर लिया, आप चाहते हो कि ये वाला वैल्यू यहाँ पर सेव रहे, तो आप एम आर पर कर सकते हो क्लिक। एम माइनस का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट द डिस्प्लेड वैल्यू फ्रॉम योर मेमोरी, अगर आप उसे मेमोरी से हटाना चाहते हो तो एम आर पर आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और आपको क्या नहीं कर, और ध्यान रखना ये जो डिफॉल्ट एंगल है डिग्री में है, अगर आपको रेडियन की जरूरत है रेडियन में आपको कन्वर्ट करना हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं करना है, जैसे कि मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ नहीं करना, ताकि वहां पर अगर आप एक भी ब्रैकेट वगैरह लगाना भूल गए तो फिर गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। पैरेंथेसिस को या ब्रैकेट को आप अनबैलेंस नहीं छोड़ सकते हैं। और मान लीजिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, आप डिग्री पे हो उसी में रेडियन पे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है, जो आपको जरूरत हो वही करिएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को क्या करना है जब आप कैलकुलेशन का यूज करेंगे, तो कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। बट मैं तो यही कहूंगा, अगर आप लोग कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा ना करें, जहां जरूरत हो उसे करें, जहां पर आपको लगता है कि आप मैनुअली या खुद से कर सकते हैं तो उसे आप कर लीजिए, कैलकुलेटर का यूज नहीं करिए। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है इस मॉक टेस्ट के थ्रू कि आप लोगों को कैसे ऑनलाइन एग्जाम देना है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया उसी तरह आप एग्जाम में जाओगे ना, तो उसी तरह सेम आपको दिखेगा, सेक्शन ए बी सी, ग्रीन कलर, रेड कलर, ये सारे कलर, व्हाइट कलर वहां पर भी होंगे। सेव और नेक्स्ट करने पर अगले क्वेश्चन में चले जाते हैं, ठीक है। अगर फिर भी लगता है आपके मन में कोई डाउट है तो बिल्कुल आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट करके इस वीडियो में पूछ सकते हो। और ध्यान रखना यूजर आईडी और पासवर्ड जब आप सेंटर पे जाओगे तो वहां पर आपको दिया जाएगा। और ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना, तो एक बार आप लोग क्या करना, जैम 24 के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना, वहां पर ये चीजें आप लोगों को दिख जाएंगे आईआईटी मद्रास की वेबसाइट पर, कि मॉक टेस्ट में कैसे पार्टिसिपेट करना, तो उस पर क्लिक करके एक बार आप लोग भी पार्टिसिपेट कर लेना, ठीक है। तो आई होप जो कुछ मैंने आप लोगों को बताया आपको समझ आया होगा, तो थैंक यू सो मच।